क्यों है भाई, हमारी मर्जी। प्रेडिक्शन क्या है आपकी? प्रेडिक्शन मेरे तोता नहीं है मेरे पास, मैं जरूर बताता तुम्हें, वो आके ऐसे फाल निकालता और बताता। प्रेडिक्शन नहीं, मैंने सच नहीं बोलना है। डेफिनेटली खाना खाओगे? नहीं, रोलिंग है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मिस्टर हरभजन सिंह, बिफोर यू अप्लाई योर सनस्क्रीन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चांसेस किसके जीतने के हैं? इंडिया के यार, ऑफ कोर्स है ना, इसीलिए मैंने पूछा वो इंडिया क्यों है। क्यों है भाई, हमारी मर्जी। और अगर एक्सपर्ट की तरह पूछना है, हाँ। यार इंडिया की बैटिंग उनसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है इंडिया की बैटिंग। और बॉलिंग में भी ना, इंडिया के पास बुमराह है, बाकी हार्दिक की फॉर्म आ गई है, सिराज अच्छी कर रहा है, अर्शदीप है, तो भाई टीम उनसे कहीं बेहतर है। इसलिए ऑब्वियसली अगर रैकेट देखा जाए तो इंडिया की जो फॉर्म है, इंडिया जनरली इज अ बेटर टीम, बेटर टीम इन अ वे के फेवरेट्स हैं गोइंग इनटू दैट गेम। आई विल गिव 60% टू इंडिया और 40% टू पाकिस्तान, बट T20 यानी एक अच्छी इनिंग, एक अच्छा स्पेल गेम का पांसा बदल सकते हैं, बट आई थिंक एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए मेरा ये मानना है कि भारतीय टीम उनसे कहीं ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है, समझे नहीं? आप देखिए तीन क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं, 6 या 7 बॉलिंग के विकल्प हैं, बैट्समैन फॉर्म में आ गए, रोहित भी फॉर्म में आ गया, तो मुझे लगता है कि जो बैलेंस है भारतीय टीम, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का इंडियन टीम का फॉर्म है, जिस तरह की उनकी अप्रोच है, एटीट्यूड है, और जैसे दिग्गज बल्लेबाज फॉर्म में है, मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा बहुत भारी है। माय प्रेडिक्शन, माय हार्ट सेज पाकिस्तान। व्हाट आई हैव सीन सो फार इन दिस टूर्नामेंट, द पिच इन न्यूयॉर्क इज वेरी मच फॉर द फास्ट बॉलर्स, सो आई विल जस्ट इवंस इट आउट अ लिटिल बिट, जस्ट प्योरली because of the surface there in New York. What a question. India, of course, definitely. I know the pitch is spicy, but we've got 4 fast bowlers who are doing well. Rohit Sharma has got a half century, Rishabh Pant has batted well, so all in all it looks as if India is in good form. India are going to win. It's going to be a terrific game, 2 great fast bowling lineups going against each other on a tough surface, but India for me. देखिए मुझे लगता है भारत जीतेगी, भारत मजबूत टीम है, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना इस पिच पे, क्योंकि न्यूयॉर्क की जो पिच है वहाँ पे तेज गेंदबाजी के लिए बहुत मदद है, गेंद लगातार लहरा रही है, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान 4 तेज गेंदबाजों के साथ खेले, तो वहाँ पे पावर प्ले में किस तरह से भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है, मुझे लगता है ये मैच का जो फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर, वो उस पर रहेगा। उम्मीद ये रहेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली और ऋषभ पंत बहुत अच्छे से काउंटर करें, ये पहली 6 ओवर को मैच अपने हाथ में आ जाएगा। देखें ये मैं समझता हूँ इस वक्त तो भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्होंने सब बॉक्सेस टिक किए और डिजर्व करते हैं वो इस फेवरेट का टैग उनके जो लगा हुआ है, क्योंकि कहीं मारनी पड़ रही है। सो पाकिस्तान को बहुत काम करने की जरूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पता नहीं पिच कैसी होती है, अगर प्रॉपर कंडीशंस हो तो भारत बहुत आगे है पाकिस्तान से, मगर क्योंकि ट्रिकी कंडीशंस है कुछ नहीं पता है। सो मैं समझता हूँ ये जो ट्रिकी पिच है ये एक तरह से पाकिस्तान को 50-50 मुकाबले में वापस ले आई। आई थिंक इंडिया विल विन, एनी नो डाउट। अवर एक्स फैक्टर होगा हमेशा विराट कोहली होता है, और इस बार होगा हार्दिक पांड्या। I think it's going to be 70-30, 70 in favour of India, mainly because they've had the taste of what the conditions are like in New York. So, looking forward to this blockbuster, but India, my favourites. No, I think toss will be a huge factor in the game, and definitely think that India will come out on top. I feel India will win because they have they've got the upper hand. They are a better side on paper. So, yes. Okay. कह दिया ना, बस कह दिया, ओवर एंड आउट, खड़ा है।